अभी फिलहाल पूरे जम्मू कश्मीर के हवाले से बात नहीं करूंगा, क्योंकि कई सारी सीटें हैं जिनके नतीजे आना अभी बाकी हैं। लेकिन फिलहाल बड़गाम में खड़े होके मैं जरूर बड़गाम के वोटरों का शुक्रिया करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे अपने कीमती वोटों से नवाजा, मुझे यहां से कामयाब होके भेजा और मुझे जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करने का दोबारा एक मौका जो है हासिल हुआ है। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने काम के जरिए अपने आप को इन वोटों के काबिल और लायक समझें, जो कि अगले 5 साल के लिए हमारी मुकम्मल